और क्या चल रहा है रिजेक्ट हुआ यार oh. तो फिर अब क्या कर रही है दवाई शुरू की है है अच्छा एंड डाइट में नहीं हो जाएगा मेडिसिन से तुझे तो पता है ना पीसी हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है और ये इसका मतलब सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है और भी बहुत रीजंस होते हैं तो इतना स्ट्रेस लेती है बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाए तो वो भी होता है अगर लाइफ हेल्दी नहीं हो फिर भी होता है और अनहेल्दी डाइट की वजह से भी होता है क्या करूँ फिर रुक, मैं तो एक वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ तो वो देख देख ठीक है ओके okay. चल मैं देख के करती हूँ चलिए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे सेवन फूड आइटम्स हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट से अवॉइड करना है और ऐसा करते ही आप नोटिस करोगे कि आपके पीसीओडी के सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे अगर वेट ज्यादा है तो वो कम होने लगेगा हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होने लगेगी अगर फेस पे एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम रहती है तो स्किन भी नेचुरली क्लियर होने लगेगी और ऐसा नहीं है कि इन सात फूड आइटम्स को आपने हंड्रेड परसेंट अपनी डाइट से एलिमिनेट करना है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें लिमिट करना है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें ओमिट करना है सो लेट सी वट आर सेवन फूड आइटम्स विच यू शुड बी अवॉइडिंग इन पीसीओडी सबसे पहले है ग्लूटन। ग्लूटेन रिच फूड आइटम्स को आपने अपनी डाइट से लिमिट करना है और वो इसलिए क्योंकि ग्लूटन रिच फूड आइटम्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी हाई होता है

ग्लूटेन इनटेक ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा आप चाहे तो अपनी होल वीट जगह ग्लूटेन फ्री चपातीज भी बना सकते हो जिसके लिए आप मेरी फाइव हेल्दी ग्लूटेन फ्री चपाती रेसिपी की वीडियो देख सकते हो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी बाहर जाके भी आप वो फूड आइटम्स अवॉइड करो जिसमें ग्लूटेन बहुत हाई होता है फॉर एग्जाम्पल पिज्जा या फिर पास्ता इसकी जगह पे आप ग्लूटेन फ्री स्नैक्स चूज कर सकते हो जैसे कि पनीर टिक्का या फिर सीख कबाब नेक्स्ट इज हाई फैट डेयरी आइटम्स काउस बफलो का मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है बट एट द सेम टाइम उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कंटेंट भी बहुत हाई होता है जिसे लेने से एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और एंड्रोजन हार्मोन एक सेक्स हार्मोन है जिसके हाई होने की वजह से फीमेल बॉडी में पीसीओडी की कंडीशन और ज्यादा हो सकती है एंड एंड गाइस कई बार काउस बफलोस के के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं सो so, उनका मिल्क लेने से फीमेल बॉडी में भी हार्मोनल इम्बेलेंस और ज्यादा बढ़ता है सो so, उसके लिए आप हाई फैट डेरी आइटम्स को अवॉइड करो और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप फुल क्रीम मिल्क को अवॉइड करके स्किम्ड मिल्क यानी कि टोन

आप अपने पीसीओडी के सिम्टम्स पे भी कंट्रोल कर पाओगे आई एम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में बहुत सी पीसीओडी होने के बाद भी अपना वेट लूज कर पाई और पीसीओडी के सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर पाई पाए हैं। आप भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो जिसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल्स ले सकते हो या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है नेक्स्ट फूड आइटम विच यू शुड अवॉइड इज फ्रूट जूसेस गो फॉर होल फ्रूट्स बट डोंट हैव फ्रूट जूसेस इसमें भी आप फ्रेश फ्रूट जूस को कभी कभी लिमिट में ले सकते हो बट पैकेज जूसेस को बिल्कुल बंद करो ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स में फाइबर वाइटमिन एंटी और नेचुरल शुगर कॉन्टेंट होता है जो कि हर इंसान के लिए जरूरी है और यही फ्रूट जूसेस में फाइबर निकल जाता है और शुगर कंटेंट बढ़ जाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं और यही पैकेज जूस में तो स्वीटनर्स प्रेजर्वेटिव और पता नहीं क्या क्या चीजें एडेड होती हैं फ्रूट जूस लेने से वेट गेन होता है और पीसीओडी की कंडीशन और सिवियोर होती है सो so, इसलिए गो फॉर अ होल फ्रूट तो अगर आपने कोई बेवरेज लेनी ही है तो आप कोकोनट वाटर या फिर लेमन वाटर ले सकते हो जिसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी, भी हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है सो वेट लूज में भी हेल्प मिलेगी और साथ में पीसीओडी के सिम्टम्स भी कंट्रोल होंगे नेक्स्ट इज बेक्ड फूड्स बेकिंग एक बहुत ही हेल्दी स्टाइल ऑफ कुकिंग है बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे बेक फूड्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं स्पेशली जो चीजें बेकरी शॉप पे मिलती हैं वो पीसीओडी के कंडीशन के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। कई बार हम फ्राइड फूड्स को अवॉइड करके सोचते हैं कि चलो कुछ बेक्ड खा ले बट वट इफ आई टेल यू दैट हैविंग अ पूरी और पकौड़े इज बेटर देन हैविंग अ पफ पेस्ट्री और अ डोनट बेकरी फूड्स मोस्टली मैदे से बनाए जाते हैं उसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है बहुत सारा बटर होता है और हम रियलाइज भी नहीं करते कि उसकी एक बाइट में हम कितनी कैलोरीज ले जाते हैं ये ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक करता है जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ता है हॉर्मोनल इम्बैलेंस और ज्यादा होता है ओबेसिटी एंड वेट गेन होता है और पीसीओडी की कंडीशन और भी ज्यादा सिवियर हो जाती है सो आई सजेस्ट कि आप हाई फैट बेकरी आइटम्स को अवॉइड करके अपने घर पे बेकिंग कर सकते हो जिस तरह ये कुकीज मैंने अपने घर पे बनाई है So, इसका रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट इज स्टार्ची फूड्स। आपको हर वो चीज अवॉइड करनी चाहिए जिसे खाते ही वो बॉडी में जाकर तेजी से डाइजेस्ट हो जाती है और वो फूड आइटम्स इन्हें चाहिए जो कि धीरे धीरे आराम से डाइजेस्ट होते हैं इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल रहते हैं तो so, वो फूड आइटम्स जिनके अंदर स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है जैसे कि पोटैटो व्हाइट राइस पास्ता वाइट ब्रेड इन्हें खाते ही इनकी डाइजेशन बहुत ही क्विकली हो जाती है जिससे इंसुलिन लेवल बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है हॉमोनल इम्बैलेंस को लीड करता है और पीसीओडी की कंडीशन और भी ज़्यादा सिवियर होती है और आपको इन्हें पूरी तरह एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है आप बस इन्हें लिमिट कर सकते हो या फिर इन्हें रिप्लेस कर सकते हो जैसे कि व्हाइट ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस या फिर दलिया किनुआ और स्टार्ची वेजिटेबल्स की जगह पे आप हाई फाइब्रस या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो दैट्स इट नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी कॉफ़ी इज़ जनरली गुड फॉर द हेल्थ ये आपके मूड और एनर्जी को नेचुरली बूस्ट भी करती है बट पी के केस में आपको इसे लिमिट करना ज़रूरी है स्पेशली जब आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो क्योंकि ये हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है जिससे हॉर्मोनल इम्बैलेंस और भी ज़्यादा बढ़ता है और पी के टाइम पे ये उसके सिम्टम्स को जैसे कि मूड स्विंग्स या फिर क्रैम्स को और भी ज़्यादा सिव्यर कर सकती है सो व्हाट्स द सॉल्यूशन यहां पे मैं आपको तीन सॉल्यूशंस दे सकती हूँ सॉल्यूशन नंबर वन इज टू टेक योर कॉफी इन मॉडरेशन एंड डू नॉट गो बियॉन्ड वन कप पर डे सोल्यूशन नंबर टू इज टू रिप्लेस योर रेगुलर नॉर्मल कॉफी टू डी कैफिनेटेड कॉफी जिसे लेने से आपको एक एनर्जी बूस्ट तो मिल जाएगा बट कैफिन कॉन्टेंट ना होने की वजह से हॉर्मोनल इम्बेलेंस नहीं होगा एंड थर्ड इज टू स्विच फ्रॉम कॉफी टू टी और ग्रीन टी और हर्बल टी हर्बल टी भी बहुत ही कमाल की चीज है आप आय बा की हर्बल टी भी ट्राई कर सकते हो जिसके अंदर अलग अलग तरह के नेचुरल ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं दिस विल गिव यू अ रिलैक्सिंग स्लीप एट नाइट और आपको तो पता ही है कि स्लीप हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कितनी ज्यादा इसेंशियल है आयम बाव टी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब हम चलते हैं सेवेंथ फूड आइटम पे जो की है चिप्स

हम इनकी मार्केटिंग और ईज टू ईट के चक्कर में आके इनके रेवेन्यूज तो बढ़ा रहे हैं बट हम अपनी हेल्थ की वाट लगा रहे हैं पीसीओडी का सबसे बड़ा रीजन है हमारी डाइट वो डाइट नहीं जिसे हम अपनी किचन में बनाते हैं वो डाइट जिसे हम बंद पैकेट्स में खरीदते हैं सो द सॉल्यूशन इज टू से गुड बाय टू दीज पैकेज चिप्स एवर और अगर आपने कुछ मंच करना ही है तो आप मखाने नट्स पॉपकॉर्न इस तरह की हेल्दी चीजें भी तो मंच कर सकते हो फर्क सिर्फ इतना ही है कि उन्हें कोई मार्केट नहीं कर रहा बट डोंट यू थिंक कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उनके हेल्थ बेनिफिट्स उनको मार्केट करने के लिए काफी है पीसीओडी ओवरनाइट नहीं होता ये हमारी डेली हैबिट्स की वजह से होता है तो एक टैबलेट खा के आप रातों रात पीसीओडी रात को रिवर्स नहीं कर सकते बट सही डाइट से सही फूड चॉइसिस से सही लाइफ से ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम आप इसे कंट्रोल कर सकते हो आई होप आपको आज की वीडियो काम की लगी होगी आप भी इसे अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर करना प्लीज प्रेड दी अवेयरनेस आप इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन दबा दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन फिट रहो हिट रहो